क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन है सिंपली, सो आई रीड हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों का सम मैंने आपको बताया था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज व्हाट, सम इज इक्वल टू वन. सो आंसर इज व्हाट, वन. नाउ सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जिस जो हैपन होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कितना, जीरो. एंड सच टाइप ऑफ इवेंट इज व्हाट, सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ए इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, नाउ थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, पॉसिबिलिटी है तो उसकी कितनी है, वन. एंड सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर और सर्टेन इवेंट. ओके, नाउ फोर्थ, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ओके, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन. ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो आप सीन करेंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको. ओके, नाउ फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई एक्सप्लेन, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन एन जीरो एंड वन, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, एंड लेस देन वन. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन. ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइटली आउटकम्स. ओके, आपको बताना है, एक्सप्लेन वाई. फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, सो इट इज ओनली एक्सपेरिमेंट. वाई, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन ए ड्राइवर. अगर ड्राइवर आपका परफेक्ट होगा तो कार को वन टाइम में स्टार्ट कर देगा. हो सकता है कार न्यू हो या ओल्ड हो तो उसकी प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज ओनली ए एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली क्वेश्चन सेकेंड इज, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट, तो ये भी डिपेंड करता है प्लेयर्स की, प्लेयर अगर कैसा है, प्लेयर अगर परफेक्ट है तो वो आपको शूट कर देगा और नहीं है तो ये ओनली, तो ये भी आपका क्या है, ओनली एक एक्सपेरिमेंट है. थर्ड इज, ए ट्रायल इज मेड टू एंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, तो ओनली टू पॉसिबल कंडीशन है, या तो राइट होगा या क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, फोर्थ इज, ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, सो ओनली ऑब्वियसली क्लियर है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये भी आपका कैसा, इक्वली लाइकली आउटकम है. ओके, नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ओके, सो वी नो विच, आपको इन फोर में से बताना है कौन सी कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी इवेंट. सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, है ना, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या नहीं होती है, नेगेटिव. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट मीन्स -1.5 इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर फाइव, सो फाइव इज वॉट, इफ पी ऑफ ई, आपको पी ऑफ ई की वैल्यू गिवन है कितना, 0.05, देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई नॉट ई, सो हाउ वी कैलकुलेट, वी नो दिस फॉर्मूला, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू वन. सो सिंपली पी ऑफ ई नॉट इक्वल वन माइनस पी ऑफ ई, सो सिंपली वन माइनस वैल्यू ऑफ पी ऑफ ई इज गिवन वॉट, 0.05. सो हाउ वी कैलकुलेट, दिस इज अवर वन एंड दिस इज अवर 0.05, सो फाइव हियर 9 एंड 0, सो 0.95 इज वैल्यू ऑफ ई नॉट. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, ए बेग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एक बेग के अंदर आपके पास ओनली कौन सी लेमन फ्लेवर की कैंडी है. मलिनी टेक्स आउट ऑफ 1 kg विदाउट लुकिंग इनटू बैग, उसने बैग में बिना देखे कैंडी को क्या किया है, लिया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, टू क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट फाइंड करना है आपको एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. ओके, सो वी नो इन बैग ओनली विच फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी,
So this probability is what? 0. So an orange candy probability is what? Simply 0. And second is what? A lemon flavor candy. So lemon flavor की all candy है तो उसकी probability क्या होगी? 1. Possibility उसकी क्या है? या तो 0 होगी या 1 होगी. तो orange की तो क्या होगी? 0. Because orange flavor की candy उस bag के अंदर है ही नहीं, contain ही नहीं करता है. But all candy किसकी है? Lemon flavor की. तो number of favorable outcome upon total number of outcome दोनों same है. It means answer कितना होगा आपका? 1. Okay?